Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, my name is Anshul Mittal and in this video, we will be covering the 11th chapter of ACCA F9 and the name of the chapter is The Economic Environment for Business. So guys, Economic Environment for Business. So ye jo topic hai, this is kind of studying the macroeconomics. जो हो सकता है बच्चों ने जो इंडिया से हैं या बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे क्लास 12th या 11th में दे यूज टू स्टडी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमीज, तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमीज हमें वही चीज़ यहाँ पे पढ़नी है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर. अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर इस चैप्टर का हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से क्या लिंक है, इसमें क्यों है ये जब हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. तो गाइस हमने पहले जो भी पढ़ा था दैट वॉज जस्ट स्टडिंग वॉट माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स इज. बस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम इस मैक्रो इकोनॉमीज का हमारे फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन में क्या रोल है. अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, सोचो इन्फ्लेशन बहुत पीक पे है. इन्फ्लेशन बहुत पीक पे होने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें कॉस्टली हैं, तो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, ठीक है. या फिर अब तुम्हें लग रहा है लेट्स से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और तुम्हें लग रहा है कि इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए हो सकता है कि जो बैंक्स हैं या सेंट्रल बैंक है हर कंट्री का वो अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करें, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाइक करना इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग दैट अ कंट्री दैट दैट गवर्नमेंट कैन डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ये हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो तुम्हें पता है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है. अब लेट्स से कि तुम्हें बैंक से लोन लेना है, यू आर फाइनेंशियल मैनेजर, तुम्हें लोन लेना है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि अगर मैं आज लोन ले लूँगा तो उसी रेट पे लोन मेरा कंटिन्यू रहेगा, दैट इज़ फिक्स्ड इंटरेस्ट. लेकिन अगर मैंने लोन अभी नहीं लिया और बाद में मुझे लोन लेना पड़ा तो मुझे हायर रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा. सो चाहे मुझे अभी लोन की ज़रूरत नहीं है, मुझे कैश की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे पता है कि ये सिचुएशन आ रही है, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, तो आई माइट थिंक कि मैं एक काम करता हूँ, मैं पैसे अभी बैंक से लोन ले लेता हूँ क्योंकि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो ऐसे जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ों का हमारे फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, दिस वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री की होती है उनका, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड जो वो पॉलिसीज बनाती है उसका पर्पस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है वो पॉलिसीज बनाने का. सो मैक्रो मतलब एज अ होल, होल मतलब वो छेद वाला होल नहीं, होल मतलब सबको मिला के ओवरऑल कंट्री के लिए जो हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रो लेवल. माइक्रो लेवल मतलब हम स्पेसिफिक बिजनेस का या कुछ इंडस्ट्रीज का देखते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस कि हम ओवरऑल कंट्री के बारे में सोच रहे हैं. तो गवर्नमेंट जब ओवरऑल कंट्री के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज निकालती है तो उनका प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहला जो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल होता है वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब हमारी कंट्री के जो भी रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज किस सेंस में हो सकते हैं, रिसोर्सेज कैन बी इन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारी कंट्री में, स्किल्ड लोग हैं, तो वो बहुत अनएम्प्लॉयड है तो उनको जॉब देना दैट इज़ ऑल्सो लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल. और दूसरा क्या हो सकता है, जैसे मान लो हमारी कंट्री में, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो बिकती है, जैसे अरब कंट्रीज़ के अंदर जैसे हमें पता है ऑयल वहाँ का बहुत है, तो ऑयल इज़ समथिंग जो वहाँ पर बड़ा कॉमन है, तो उनको पता है कि हमारा ऑयल यहाँ पे निकलता है, सो वो ऑयल निकाल के उसको एक्सपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स दे आर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो ऑयल उनका रिसोर्स है उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं. जैसे इंडिया में हिमाचल में सेब एप्पल बहुत ज़्यादा बनता है, तो एप्पल को वो बना के इंडिया में भी सेल करते हैं, एप्पल को एक्सपोर्ट भी करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल्स वो सारे एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में भी सेल करते हैं. तो बेसिकली जब एप्पल का सीजन आता है जहाँ जहाँ पे एप्पल ऑर्चिड्स हो सकते हैं वहाँ वहाँ पे करके वहाँ से एप्पल्स निकाल के दे सेल दी एप्पल्स जहाँ पे भी सेल हो सकती है, दैट मीन्स वो उन एप्पल के रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं. तो
तो एज अ कंट्री गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उसकी कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी कंट्री बना सकती है, चाहे लोग ज़्यादा हैं, चाहे कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज़ ऐसी है जो हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो उसको मैक्सिमम बनाओ, मैक्सिमम सेल करो विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, डैट इज़ कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड आता है प्राइस स्टेबिलिटी, दैट इज़ लो इन्फ्लेशन, के इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ये भी गवर्नमेंट को देखना पड़ता है. थर्ड आता है इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कि हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी करनी है कि एज अ होल हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, सबकी लोगों की इनकम बढ़े, हमारी रुपी की वैल्यू बढ़े, डॉलर की वैल्यू बढ़े, तो दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. देन आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम. बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. अगर हम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पहली चीज़ कि हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, और इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा बाहर दे रहे हैं. इम्पोर्ट करना मतलब पैसे देना, मतलब हम अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा बाहर दे रहे हैं, मतलब अपनी करेंसी को हम वीक कर रहे हैं, दैट इज़ डूइंग मोर इम्पोर्ट्स. लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तो देखा जाए तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करने का ऑफकोर्स फ़ायदा है, नो डाउट उसका फ़ायदा है, क्योंकि हमारी कंट्री में बाहर का बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स करते हैं, उससे क्या होता है? अगर हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी, दैट मीन्स हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, बहुत तेज़ डेवलपमेंट होगी. डेवलपमेंट होगी सो दैट ऑल्सो मीन, दैट कैन ऑल्सो मीन कि चीज़ें भी थोड़ी कॉस्टली हो सकती हैं, प्राइस ऑफ थिंग्स कैन इंक्रीज, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इशूज़ आने आ सकते हैं. अभी के लिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट इज़ के जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट बनाती है, इस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या क्या आता है और पॉलिसीज बनाने का फ़ायदा क्या होता है. कि पहला, हमारे सारे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हो, प्राइस इन्फ्लेशन ना हो, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारी कंट्री की, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, एंड अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि जो इनकम एंड वेल्थ है उसका एक अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो. ऐसा ना हो कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा चला जाए, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा चला गया वो भी गलत है, क्योंकि उससे क्या होगा? करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी. हर आदमी के पास अगर आज की डेट में 1 करोड़ रुपए होंगे, है ना, तो हर आदमी लग्जरी कार लेके घूमेगा, तो लग्जरी कार वाले प्राइस बढ़ा देंगे. वो कहेंगे हर आदमी के पास तो 1 करोड़ रुपए हैं, हम जो कार 10 लाख की देते थे, अगर 50 लाख की भी देंगे तब लोग ले लेंगे, क्योंकि हर एक के पास 1 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं. तो ऐसा भी नहीं करना कि बहुत एक्सेसिव पैसे लोगों को देने, या ऐसा भी नहीं करना कि लोगों से पैसे छीन लो, ऐसा नहीं. तो अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दैट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थोड़ा सा बड़ा करके बताया हुआ है. ये पूरा चैप्टर मोस्टली थ्योरी है, तो हमें थ्योरी है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो आई एम जस्ट रीडिंग दिस. सो द फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज अप्लाइज इन पर्टिकुलर टू लेबर फोर्स. ये कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं वो लेबर यानी ह्यूमन. द एम इज़ बोथ फुल एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, कि सब सारे के सारे लोगों को जॉब मिले, और स्टेबल जॉब हो. ऐसा ना हो कि बस 2-3 महीने जॉब करी और उसके बाद बोला हाँ भैया ठीक है तुम्हें जॉब से निकाल रहे हैं, ये तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए दी थी. नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट हो और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो. प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स लिटिल और नो इन्फ्लेशन पुटिंग अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, के इन्फ्लेशन ना हो कि चीज़ें महंगी होने वाली हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय चेंजेस इन नेशनल इनकम, के लोगों की इनकम बढ़ रही है फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट, एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं. The balance of payment relates to ratio of imports to exports. जैसे कि मैंने बताया था, a payment surplus would mean the value of export exceeds the import. A payment deficit would incur when import exceeds export. Export surplus, जहाँ पे भी surplus use होता है, surplus means कि हमारे पास दूसरी करेंसी बहुत ज़्यादा है, that means exports are more than import. और अगर हमारा payment deficit आ रहा है, deficit मतलब कि हमारे जो import है वो बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम है, पैसे हमारे पास कम आ रहे हैं. वॉट इज़ कंसिडर्ड एन अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ विल डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग पॉलिटिकल व्यू एट दैट टाइम, कि हर कंट्री का जो भी पॉलिटिकल व्यू उस टाइम पे है, जो भी पॉलिटिकल स्टेटस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि अप्रोप्रिएट इनकम और वेल्थ क्या होनी चाहिए. ठीक है, अभी इतना ही, धीरे धीरे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तब सारी चीज़ें समझ आएंगी. नेक्स्ट पार्ट. अब द पॉइंट इज देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, जो भी इनके प्रिंसिपल, जो भी इन्होंने पॉलिसीज बनाने के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी.
कि जो पॉलिसीज़ हमने बनाई थी, इन सारी पॉलिसीज़ को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, बट यहाँ पे एक इशू क्या आता है कि वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव समटाइम्स क्लैश विद अदर. कैसे? कि अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट करता हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होगा, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स हर बंदे को जॉब मिलेगी. जैसे कि हमने पढ़ा है कि मोस्टली हम यहाँ पे जो देखेंगे वी विल सी एज लेबर फोर्स. अगर हर बंदे को जॉब मिलेगी दैट मीन्स हर पर्सन वुड अर्न इनकम, हर बंदा इनकम कमाएगा. अब हर बंदा अगर इनकम कमाएगा दैट मीन्स उसके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो वो खर्चा करेगा, तो उस खर्चा करेगा मतलब डिमांड विल इंक्रीज. डिमांड विल इंक्रीज क्योंकि उनके पास जब पैसे हैं, दे हैव मनी. अगर मेरे पास पैसे, हर आदमी के पास पैसे हैं गाड़ी लेने के लिए, कंपनी तो इतनी गाड़ियां बना ही नहीं सकती, दैट मीन्स डिमांड विल इंक्रीज, है ना. अगर हर इंसान के पास, लेट्स से 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर पर्सन के पास 10 लाख रुपीज़ हैं विच ही कैन इन्वेस्ट या विच ही कैन यूज़ फॉर लग्जरी. अगर हर आदमी बोलेगा मुझे 10 लाख, मुझे एक कार परचेज करनी है, तो 100 करोड़ कार्स बनानी कहाँ से ईजी बात है, तो पॉसिबल ही नहीं है. कंपनीज को पता चल जाएगा कि भाई डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइस 10 लाख से सीधा कर देंगे 20 लाख. अब 20 लाख से क्या होगा, 100 करोड़ लोगों में से जिनके पास 10 लाख थे, काफ़ी सारे लोग तो मना ही कर देंगे, यार प्राइस तो बढ़ गई, कम लोग परचेज़ करेंगे, और कंपनी जो है उनको फ़ायदा उतना ही होगा क्योंकि 10 लाख की कार 20 में सेल हो रही है. सो पॉइंट इज़, ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीज. कि अगर डिमांड बढ़ती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो कंपनी जो है वो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. तो दैट इज़ लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है कि हमारी इनकम बहुत बढ़ती है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है चीज़ों की, बहुत ज़्यादा पैसा आता है लोगों के पास, वो सामान परचेज़ करते हैं, और जब सामान बिकेगा, सामान की शॉर्टेज होगी, सामान की शॉर्टेज होना मतलब उसके प्राइसेस बढ़ना, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे दैट मीन्स हमारी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन. सो फुल एम्प्लॉयमेंट अगर हो गई तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो दैट्स वाई देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. सेकेंड है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अपनी कंट्री को ग्रो करना. कैसे ग्रो करना, कि कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसे आए, लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़े, बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे आए, टेक्नोलॉजी नई नई आए, हम बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें. जैसे इंडिया में हम कह रहे हैं कि सैमसंग ने अपना ये खोल दिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहा है, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करें पैसे, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. लेकिन उससे एक प्रॉब्लम क्या होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, हो सकता है हमारी कंट्री में बहुत एक्सेसिव इम्पोर्ट हो जाए, या हो सकता है एक्सेसिव एक्सपोर्ट हो जाए, सो एनीथिंग कैन हैपन. तो इकोनॉमिक ग्रोथ का बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है. यहाँ पे मोस्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इम्पोर्ट विल एक्सीड एक्सपोर्ट. अगर हमें इंडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आनी है तो बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी चीज़ें. बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएंगी, बहुत सारे फ़ोन्स आएंगे, बहुत सारे लैपटॉप्स आएंगे, बहुत सारे सेमीकंडक्टर चिप्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट होंगी क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं बना सकते, तो हमें इम्पोर्ट ही करनी पड़ेगी. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हम इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट विल एक्सीड, एक्सपोर्ट करने को कुछ है नहीं, तो वहाँ पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका इक्विलिब्रियम जो है वो हिल जाएगा. सो दैट इज़ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट. फुल एम्प्लॉयमेंट का होता है प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन से, और इकोनॉमिक ग्रोथ का होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से. अब यही चीज़ उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन की हुई है, तो जल्दी जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं. Both economic theory and experience of managing economy suggests that the simultaneous achievement of all the microeconomics objective may be extremely difficult. कि सारी की सारी जो policies है हमारी वो एक साथ fulfill होना easy नहीं है, it's very difficult. Two example of possible conflict may be cited here. इन्होंने दो example जो हमने ऊपर पढ़े थे वो दिए हुए हैं. There may be conflict between full employment and price stability. It is suggested that inflation and employment are inversely related. The achievement of full employment may therefore lead to excessive inflation through an excess level of aggregate demand in the economy. कि demand बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे चीज़ों के prices भी बढ़ सकते हैं. Rapid economic growth may in short term at least have damaging consequences to balance of payment since rapidly rising incomes may lead to rise level of import. कि अगर economic growth हो रही है, लोगों की income बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंडिया में इतनी चीज़ें नहीं है, तो ऑफकोर्स वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे. अब इंपोर्ट करेंगे दैट मीन्स इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट बढ़ जाएगा दैट मीन्स हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हिल जाएगा.
गवर्नमेंट रेपुटेशन एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस विल बोथ विल बी डैमेज इफ गवर्नमेंट इज सीन टू बी परस्यूइंग पॉलिसी टारगेट्स दैट आर वाइडली रिगार्डेड एज इनकम्पैटिबल. कि अगर गवर्नमेंट जस्ट अपने काम करने के लिए कि हाँ हमने तो सारी पॉलिसीज ठीक करी हैं सब कुछ करने के लिए ऐसे कोई काम करेगी जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो बिजनेस का गवर्नमेंट से एक विश्वास जो होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो ख़त्म हो जाएगा. सो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव मेक कन्फ्लिक्ट एंड हेंस गवर्नमेंट हैव टू कंसिडर ट्रेड ऑफ बिटवीन द ऑब्जेक्टिव. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑफ पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट दिस. मतलब जैसे हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को कंपनी के फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है. जैसे हमने डेटर्स के केस में करा था कि डेटर्स कम रखेंगे तो कैश बहुत ज़्यादा आएगा, डेटर्स ज़्यादा रखेंगे तो सेल बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है. ऐसे गवर्नमेंट को एज अ होल ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि ना तो अनएम्प्लॉयमेंट हो कंट्री में और ना तो हमारी इन्फ्लेशन हो. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ कंट्री, पूरी कंट्री मैनेज करें इट्स नॉट सो ईजी. ठीक है, अब हमारे पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो हमें क्या देखना है कि हाउ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्ट द बिजनेस सेक्टर, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेगा. सो इन ऑर्डर टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टू वर्क इट्स इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. दिस मीन्स दैट इट मस्ट अफेक्ट द बिजनेस सेक्टर. इट डज सो इन टू ब्रॉड वेज. तो दो ब्रॉड वे में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस को अफेक्ट करती है. सो फर्स्ट इज मेंटेनिंग एग्रीगेट डिमांड एंड सेकेंड इज बाय इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट. कैसे, एक्सचेंज रेट्स. अगर हमारे एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन हो रही है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा. मॉनिटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, दैट मीन्स पीपल विल टेंड टू टेक लेसर लोन, कि वो कम लोन लेंगे क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया. कम लोन लेंगे दैट मीन्स बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा दैट मीन्स उनको प्राइसेस कम करने पड़ेंगे चीज़ सेल करने के लिए. सेल ज़्यादा होगी तभी उनके पास पैसे आएंगे, तभी आगे काम कर पाएंगे. सो दैट इज़ लाइक इससे भी हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है. एंड थर्ड इज़ टैक्सेशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी दैट मीन्स टैक्सेशन. अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा खर्चेंगे. गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, कम पैसा बचेगा देन दे विल टेंड टू सेव मनी. यार क्यों खर्चा करें फालतू में, वैसे ही पैसा कम बच रहा है. जब वो सेव करेंगे दैट मीन्स मार्केट में जो डिमांड है, डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंपनीज को प्राइस भी कम करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज़ इन्फ्लुएंस कॉस्ट. तो इन दो तरीकों से मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की होती हैं वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. सो अब एग्रीमेंट डिमांड में कैसे हमारे बिजनेस को फ़र्क पड़ता है एक बार ये देखते हैं. सो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है. एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. कि बेसिकली इकोनॉमी में जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बना सकते हैं वो सेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. कि हमारी कंपनी में लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर इतने टन्स एक्स वाई जेड बन रहे हैं तो क्या इतनी डिमांड है, इससे ज़्यादा डिमांड है, इससे कम डिमांड है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. टोटल डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. ऐसा तो नहीं है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड ही नहीं है. अब जैसे हम सुनते हैं ना बहुत सारी कंट्रीज़ है वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें लोग चाहिए बहुत ज़्यादा, वो वीज़ाज बांटते हैं कि हमारी कंट्री में आओ रहो. क्यों? क्योंकि वहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड ही नहीं है, लोग है ही नहीं खरीदने वाले, इतने लोग ही नहीं. जैसे बहुत सारी जगहों पे कनाडा के बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जो नई नई डेवलप हो रही है, वहाँ पे रिसोर्सेज हैं लेकिन लोग ही नहीं है यूज़ करने वाले. तो वो लोगों को इनवाइट करें कि तुम इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे आओ रहो, डिमांड बनेगी, चीज़ बिकेगी, कंपनीज ग्रो करेंगी, देन वो एरिया डेवलप होना स्टार्ट होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. सो नेशनल इनकम इज़ एग्रीगेट डिमांड दैट हैज़ बीन सेटिस्फाइड बाय प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द ब्रॉड thrust of macroeconomic policies to influence the level of aggregate demand in the economy. This is because the level of aggregate demand is central to all determination of level of unemployment and rate of inflation. कि aggregate demand जो है country की as in an economy वो ही सारी चीज़ों पर depend करती है, उसी से हमारा level of unemployment, inflation इस पर बात जाती है. कि अगर demand बहुत ज़्यादा है, supply कम है, overall demand हर चीज़ की ज़्यादा है, supply कम है, तो price तो बढ़ेंगे. अब उन कंट्रीज़ में डिमांड बहुत कम है, लोग ही नहीं है, जैसे मैंने बताया था कनाडा का एग्जांपल दिए, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, तो प्राइसेस कम है, लोग वहाँ जाके रह रहे हैं, खर्चा कुछ भी नहीं हो रहा, दे आर सेइंग देयर दे आर हैप्पी, चाहे वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -40 degrees तक चला जाता है जैसे एन एग्जाम्पल. ठीक है, सो इफ एग्रीगेट डिमांड इज टू लो, डिमांड बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. एंड इफ एग्रीगेट डिमांड इज टू हाई,
तो इम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, मतलब सबको जॉब मिली हुई है, लेकिन उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड बाय एक्सेसिव डिमांड माइट रिजल्ट. सो चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड विल अफेक्ट द बिजनेस टू वेरिंग डिग्रीज. दस इफेक्टिव बिजनेस प्लानिंग रिक्वायर्स बिजनेसेस कैन प्रिडिक्ट द लाइकली थ्रस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज इन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म. एज अ फाइनेंस मैनेजर तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी कंट्री में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल स्टैंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एनी लाइकली चेंजेस इन. कि भाई देखना पड़ेगा कि ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कितनी चल रही है, कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है तो गवर्नमेंट विल टेक नेसेसरी स्टेप्स ताकि डिमांड कम हो. डिमांड कम हो मतलब प्राइसेस कम हो, तो हमें उस चीज़ के अकॉर्डिंग पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर को हर एक को प्राइस कम करना पड़ेगा, हमें भी कम करना पड़ेगा ऑफकोर्स. तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी चीज़ की डिमांड उतनी ही बनी रहे. ठीक है, तो दैट इज़ लाइक प्रिडिक्टिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्स ग्रोथ ऑफ ओवरऑल स्टैंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब नेक्स्ट आते हैं हमारा इसके बाद बिजनेस कॉस्ट. अब बिजनेस कॉस्ट में मैंने बताया था, एक तो था हमारा ऑन एन एग्रीगेट डिमांड लेवल कि गवर्नमेंट कैसे, हमारे जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है. एक तो था इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब एग्रीगेट डिमांड. नेक्स्ट आता है डायरेक्टली, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कैसे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है. तो पहला है एक्सचेंज रेट, मतलब ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली है, बट मैं अभी को समझाने के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में इन्वॉल्व चेंजिंग द एक्सचेंज रेट. दिस मे हैव इफेक्ट ऑन रेजिंग डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. मोस्ट बिजनेसेस यूज सम इम्पोर्टेड गुड्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, हैंड्स लीड टू राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट्स में बहुत चेंजेस कर दिए, एक्सचेंज रेट बढ़ा दिए, या गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट करने के लिए तुम्हें उस पर एक ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. सो दिस मे हैव इफेक्ट ऑन रेजिंग द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. कि जो इम्पोर्टेड गुड्स थे वो अगर गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, लेट से इंडिया में चाइना का बहुत ज़्यादा सामान रखते हैं, चाइना का माल हर जगह बिकते हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट ऐसे कर दिए कि चाइना के जो प्राइस की वैल्यू है, चाइना के जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई और इंडिया की बढ़ गई, तो इंडिया में क्या बोलेंगे, जो चाइनीज़ माल पहले 10 रुपये का मिलता था अब वो 15 का मिलेगा. क्यों? क्योंकि चाइना से इंपोर्ट महंगा हो रहा है, क्योंकि करेंसी चेंज हो गई है. तो इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक प्राइस थी उनकी, जिन्होंने गुड्स इंपोर्ट करके रखे हुए थे, द वैल्यू विल इंक्रीज. सो मोस्ट बिजनेसेस यूज सम इंपोर्टेड गुड्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, हैंस इट लीड टू राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. अब जो लोग इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करते थे प्रोडक्शन के केस में, उनको महंगा प्रोडक्ट मिलेगा, चाइनीज प्रोडक्ट महंगा आएगा, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और चीज़ महंगी हो जाएगी. ठीक है, टैक्सेशन यानी फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व यूजिंग ऑफ टैक्सेशन. चेंजिंग इन टैक्स रेट्स और द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन विल अफेक्ट बिजनेस. एग्जाम्पल, चेंज इन द एम्प्लॉयर्स नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन लेबर कॉस्ट ऑफ ऑल द बिजनेसेस. चेंजेस इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन एज राइज इन सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी विल ईदर टू बी एब्जॉर्ब्ड और द बिजनेस विल हैव टू अटेम्प्ट टू पास इट टू द कस्टमर. बेसिकली सिंपल समझने की बात है कि टैक्सेशन से गवर्नमेंट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता ही होता है. अगर डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस आए तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की इनकम में फ़र्क पड़ जाएगा. और अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस कर दिए, जैसे सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, जैसे पहले 100 रुपीज़ की जो चीज़ थी या $100 की चीज़ थी, 10% सेल्स टैक्स था, तो 10% सेल्स टैक्स मतलब कस्टमर से हम 110 लेते थे, 100 की सेल थी और 10 हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते थे. अब अगर गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स 10 से सीधा 30% कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, या तो हम कस्टमर से लें 120, अपने पास रखें 90, अपना 10 का लॉस करें, या तो ऐसे करें क्योंकि गवर्नमेंट को तो हमें 30 देने, या फिर हम सारा का सारा जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट से ले 130 का 130, उससे क्या होगा, पब्लिक से ले. अगर पब्लिक से 130 लेंगे तो क्या होगा, चीज़ महंगी हो जाएगी, तो पब्लिक विल थिंक के चीज़ महंगी है, वो शायद चीज़ ना परचेज करे, डिमांड कम हो जाएगी. सो इस तरह से गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज से बिजनेसिस को इम्पैक्ट कर सकती है. देन आता है इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट मैंने तुम्हें बताया था, मॉनिटरी पॉलिसी इन्वॉल्व चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट. दीज चेंजेस विल डायरेक्टली अफेक्ट इन टू वेज. कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग डेट विल चेंज, स्पेशली हाई गियर्ड फर्म्स, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा लोन है, जो लोन पे काम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ चुके हैं तो जो लोन पे काम करते हैं, क्रेडिट पे काम करते हैं, वो जो कंपनी है जो उधारी पे काम कर रही है, उनको तो उनका जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग डेट मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, उनका
जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा. The viability of investment will affect, since all models of investment appraisal include rate of interest is one, if not the main variable. कि हमारे जो लोग थे, अगर हम इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स के भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे. अब अगर इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, देन पीपल विल टेंड टू सेव और इन्वेस्ट मोर रादर देन स्पेंड मोर. अगर बैंक से अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, तो बैंक में पैसे डालेंगे, क्यों फालतू में पैसा खर्चे. लेकिन अगर बैंक से हमें इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल ही नहीं रहा, हम क्या बोलेंगे, पैसे सेव करके फायदा तो है नहीं, कोई इंटरेस्ट तो मिल ही नहीं रहा, अच्छा उड़ा दो थोड़े बहुत पैसे, या कुछ नहीं है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, लैंड में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, ताकि कुछ तो रिटर्न आए ना, बैंक से तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा. सो दैट इज हाउ इंटरेस्ट रेट विल अफेक्ट द बिजनेस. अब नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी आती है, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी. थोड़ा सा बोरिंग से चैप्टर है, कोई बात नहीं, थ्योरी चैप्टर है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज आई कैन. तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गाइस, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी. सो मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है गाइस? मॉनिटरी पॉलिसीज मींस दोज पॉलिसी विच रिलेट्स टू मनी एंड हैज द पावर टू चेंज द इफेक्ट ऑफ मनी या मनी की वैल्यू. जो चीज़ें मनी की वैल्यू को चेंज कर सकें, दोज थिंग्स आर कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी. तो मॉनिटरी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद इन्फ्लुएंसिंग द ओवरऑल मॉनिटरी कंडीशंस इन द इकोनॉमी इन पर्टिकुलर, लाइक वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, दैट इज मनी सप्लाई, एंड प्राइस ऑफ मनी, दैट इज इंटरेस्ट रेट. अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे अब तुम गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट लेट से बहुत सारे करेंसी नोट्स बना दे, बहुत सारे करेंसी नोट्स, उससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे करेंसी मार्केट में आ जाएंगे. तो उससे क्या होगा कि सेम वही बात, जब करेंसी बहुत ज़्यादा आ गई तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई हो चुकी है मार्केट में करेंसी की, कि करेंसी इतने ज़्यादा नोट्स डिनोमिनेशन नए आ चुके हैं, हर एक इतने ज़्यादा नोट्स प्रिंट कर दिए हैं, तो जब प्रिंट करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लोग बहुत ज़्यादा लोन लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो मनी है, जो रुपी है या डॉलर है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है. एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें अगर डॉलर को या रुपी को अप्रिशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे कि मार्केट से अपनी करेंसी को है उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, सप्लाई कम कर देंगे, करेंसी सर्कुलेशन में कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, रुपी की या डॉलर की वैल्यू बढ़ती है. सो उस दोज पॉलिसी दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स मनी और मनी की वैल्यू, दोज आर मॉनिटरी पॉलिसी. और सेकेंड इज प्राइस ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट के, इंटरेस्ट रेट से हमारी जो, अगेन इंटरेस्ट रेट से भी हमारी मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है या कम होती है. जैसे अब तुम्हें आज की डेट का एग्जांपल, करंट एग्जांपल देता हूँ. जैसे तुमने देख रहे होगे कि आजकल शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है. क्यों? यूएस जो है वो अपनी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई कर रही है. क्यों इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई कर रही है? क्योंकि यूएस के जो यूएस में एक तरह से उनको लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन आ चुका है. तो यूएस में उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन आ चुका है, चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं. अब इंटरेस्ट रेट जब वो बढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा, देखो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यूएस का, देन व्हाट विल हैपन. अब ये चीज़ इन्होंने आगे एक्सप्लेन की है, बट मैं तुम्हें एक क्रक्स बताता हूँ. अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यूएस इज़ अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे लोग दे इन्वेस्ट मनी इन केस ऑफ सेफ, अपने आप को सेफ रखने के लिए दे इन्वेस्ट मनी इन द यूएस, क्योंकि यूएस इज़ लाइक अ जायंट, टेक जायंट, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्रीज में नहीं है. ठीक है. अब यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो पीपल विल टेंड टू इन्वेस्ट मनी इन द यूएस. उससे क्या होगा, यूएस में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा. ठीक है. अब यूएस में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक है ना. सो आई थिंक बीच में कुछ थोड़ी सी वीडियो में पॉज हो गया था. तो गाइस देखो, जब भी हमारे इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट चेंज करती है, वो इसलिए चेंज करती है अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल, जो यूएस है, यूएस में अगर हम इंटरेस्ट रेट, यूएस के जो आजकल फेड रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? बिकॉज लेट से यूएस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं. मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में, कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो यूएस के हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स. तो जो इन्वेस्टर्स यूएस के हैं, अगर उनको दिखेगा कि अगर कंपनी या गवर्नमेंट उसी कंट्री का इंटरेस्ट बढ़ा रही है, तो दोज इन्वेस्टर विल टेंड टू टेक बैक देयर मनी, ताकि वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको तो पैसे मतलब है ना. अपनी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट कम है, देन दे
इन्वेस्ट मनी आउटसाइड ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले. लेकिन अगर अपनी ही कंट्री उनको अच्छा रिटर्न देगी देन व्हाट दे विल डू, दे विल टेक बैक देयर मनी. तो व्हाट विल हैपन, उससे क्या होगा, तभी आजकल तुम देखो यूएस डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. सारी करेंसी के रेट कम हो रहे हैं लेकिन यूएस डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज वो अपने इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई करते जा रहे हैं. इस वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि यूएस की इंटरेस्ट रेट बढ़ना मतलब पीपल अपने आर टेकिंग बैक देयर मनी. दैट मीन्स डॉलर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के पास कम हो रहा है बिकॉज दे आर टेकिंग बैक देयर डॉलर्स. डॉलर्स की कमी हो रही है वर्ल्ड में, दैट्स वाई दी वैल्यू ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. So this is monetary policy. So it is clear that money is crucial way in which a modern economy function. So basically इसमें जो चीज़ें हैं इसको तुम एक बार पढ़ लेना तुम्हें समझ आ जाएगा. मैं तुम्हें बस वैसे यहाँ पर समझा देता हूँ. So broad choice here is between targeting stock of money or the rate of interest. So the volume of money in circulation, the stock of money in economy, जो मैंने बताया था कि circulation में कितनी currency है हमारी, it is believed to have important effects on the volume of expenditure in the economy. This in turn may influence level of output in the economy and level of prices like inflation. जैसे मैंने तुम्हें example दिया था, ठीक है, कि अगर करेंसी बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ जाएगी दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पैसे होंगे लोगों के पास तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी. The price of money is the rate of interest. If government wish to influence the amount of money held in the economy or the demand for the credit, they may attempt to influence the level of interest. कि interest rate बढ़ा दो उससे लोगों के पास कब पैसे होंगे, that means पैसे की demand बढ़ेगी, that means पैसे की value बढ़ेगी, ठीक है. So effect of interest rate, जैसे इन्होंने देखो यहाँ पर बताया हुआ effect of interest rate. The problem for the monetary authorities is that controlling the level of interest rate is rather easier than controlling overall stock of money. कि मनी जो सर्कुलेशन में है उसको कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कभी भी चेंज कर सकते हैं. अब करेंसी तो वापस नहीं उठा सकते ना, सो दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग. इफ़ गवर्नमेंट चूज टू टारगेट इंटरेस्ट रेट एज अ प्रिंसिपल मीन ऑफ कंडक्टिंग मॉनिटरी पॉलिसी, दिस मे हैव अ सीरियस अनडिजायरेबल इफेक्ट. दिस प्रिंसिपल रिलेट्स टू इनडिस्क्रिमिनेट नेचर ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज टू दी एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसीज. के जो हमारे इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे उससे हमारी कंट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो वेन इंटरेस्ट रेट आर चेंज्ड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द जनरल लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड, जैसे कि मैंने बताया. दस अ राइज इन इंटरेस्ट रेट विल डिस्करेज एक्सपेंडिचर बाय रेजिंग द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट. हाउएवर द इफेक्ट विल वेरी. देखो अगर हम इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे उससे क्या होगा, हमारा लोन महंगा हो जाएगा. देखो दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारा लोन कॉस्टली हो जाएगा. लोन कॉस्टली हो जाएगा मतलब पीपल विल टेंड टू स्पेंड मोर. जैसे मेरे को कार लेनी है, लोन पे कार लेनी है लेकिन लोन पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा छोड़ो यार क्या कार क्या लेनी बाद में लेंगे, ठीक है ना. सो उससे क्या होगा, हमारी एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे. और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा दैट मीन्स पीपल विल टेंड टू सेव मोर क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना. सो कॉस्ट ऑफ डेट जो है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट वो बहुत बढ़ जाएगी एंड पीपल विल टेक लेसर लोन बिकॉज ऑफ इट. सो उससे क्या होगा, हमारी जो डिमांड है उसमें फ़र्क पड़ेगा. सो इससे देखा जाए तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो डिमांड तो कम हो जाएगी, इससे डिमांड विल फॉल क्योंकि पीपल विल टेंड टू स्पेंड लेस. तो जो बिजनेसेस हैं जिन्होंने प्राइसेस बढ़ाए हुए हैं उनको पता है कि चीज़ बिक नहीं रही है, देन दे हैव टू डिक्रीज द प्राइसेस. लेकिन इससे और क्या चीज़ें होंगी, इन्वेस्टमेंट मे बी अफेक्टेड मोर देन कंजम्पशन. बेसिकली जो लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा रादर देन कंजम्पशन. जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द मेन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस, वेदर इट इज़ फाइनेंस्ड बाय इंटरनल फंड्स और बाय डेट. हाउएवर मोस्ट कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल इज नॉट फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट, हैंस लेस अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा रादर देन कंजम्पशन. इसका वो क्या मतलब कह रहे हैं कि जिस बंदे ने कार लेनी है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि नॉर्मली जो इंडिविजुअल हैं जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो अपनी पॉकेट से करते हैं, वो लोन लेके नहीं करते. अब मुझे मार्केट जाके अगर कुछ घर का सामान लेके आना, राशन लेके आना, मैं लोन पे थोड़ी लूँगा, तो मैं तो अपनी पॉकेट से लूँगा. तो जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. कैसे, सिंस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, देयर मे बी सीरियस लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन अराइजिंग फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट. कैसे, अगर हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया देन पीपल विल टेंड टू स्टार्ट
लेसर बिजनेसेस, क्योंकि बिजनेस में पैसे चाहिए होते हैं तो अपनी पॉकेट से पैसे लगाएंगे या लोन लेके लगाएंगे या फिर दोनों का मिक्स होगा। बिजनेसेस में मोस्टली लोग अपनी पॉकेट से पैसे कम लगाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार डेट होता है, इक्विटी होता है, तो इक्विटी इज़ लेस रिस्की, लेकिन वहाँ पे एक लिमिट होती है। डेट ठीक होता है, डेट पे चलना समटाइम्स इज़ गुड समटाइम्स इज़ नॉट, देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन के पास नॉर्मली इतने पैसे नहीं होते कि वो सारा खर्चा, सारी मशीन, सब कुछ खुद कर सके, तो नॉर्मली हम चीज़ क्रेडिट पे लेके चलते हैं। यही चीज़ हमने इस सब्जेक्ट में अज्यूम भी की थी। लेकिन अगर इंटरेस्टेड हाई हो गया तो बिजनेसेस विल नॉट टेंड टू स्टार्ट, या बिजनेसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, उससे ऑफकोर्स चीज़ों में बहुत बिजनेसेस कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी चीज़ों की। इंटरेस्टेड बढ़ जाएंगे दैट मीन्स सप्लाई भी कम हो जाएगी, बिजनेस काम ही नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑफ इंटरेस्टेड। इवन वेयर कंजम्पशन इज अफेक्टेड बाय राइजिंग इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स आर अनइवन, ये कंजम्पशन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। द डिमांड ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स एंड हाउसेज इज मोस्ट अफेक्टेड सिंस दीज आर नॉर्मली क्रेडिट बेस्ड परचेज। अब अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया दैट मीन्स लोन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो लोग ड्यूरेबल प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लैविश प्रोडक्ट लाइक कार, ड्यूरेबल प्रोडक्ट मशीन्स, या फिर अगर कोई नॉर्मल बंदा एक घर लेना चाहता है तो घर लेने के लिए नॉर्मल जो लोग हैं दे विल टेक लोन, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा महंगा है तो वो लोन नहीं लेंगे, ठीक है ना। सो हेंस एक्टिव इंटरेस्ट पॉलिसी मे इंड्यूस इनस्टेबिलिटी इन सम सेक्टर्स ऑफ द बिजनेस, कि सारे सेक्टर्स में फ़र्क पड़े ना पड़े, कुछ में फ़र्क पड़ेगा। दिस सेकेंड प्रॉब्लम अराइजेज, अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, दिस सेकेंड प्रॉब्लम अराइजेज फ्रॉम openness of modern economies and their economic independence, there is now a very high degree of capital mobility between the economies, matlab large sum of short term capital move from one financial center to another in pursuit of higher interest rate, changes in domestic interest rate relative to those in other financial sector will produce large inflow and outflow of short term capital, inflow abhi tum keh rahe ho sir kyon pad rahe ho itna, pehle padhte hain fir main samjhata hu. Inflow of capital represent a demand for domestic currency and hence push up the exchange rate. तो जो सेकेंड बात बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं बेसिकली, जो सारा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि आजकल इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो कैपिटल है, जो लोन्स हैं, जो शॉर्ट टर्म परचेज सेल्स है, वो कंट्री टू कंट्रीज भी चल रही है। जैसे हमने इस सब्जेक्ट में पहले पढ़ा था कि हमारा एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है अगर हमें दूसरी कंट्री से लोन पे गुड्स परचेज करना है या उनको क्रेडिट पे सेल करना है, क्योंकि हम इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन चल रही हैं, परचेज सेल इंटर कंट्रीज हो रही हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करेंगे उससे क्या होगा, सो इंटरेस्ट रेट चेंजेस की वजह से हमारे जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। चेंजिंग इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट रिलेटिव टू दोज इन अदर फाइनेंशियल सेक्टर विल प्रोड्यूस लार्ज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे भैया इंडिया में इंटरेस्ट, जस्ट एन एग्जांपल आई एम सेइंग कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है तो आपको भी इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इनफ्लो ऑफ कैपिटल मीन्स डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी, अगर हमारी इनफ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का बहुत ज़्यादा इनफ्लो होने वाला है तो करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर हमारी कैपिटल का आउटफ्लो होने वाला है दैट मीन्स पैसे बाहर जाने वाले हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ना गिरना है दैट ऑल्सो अफेक्ट द एक्सचेंज रेट, वो तो मैंने तुम्हें पहले भी एग्जाम्पल में दिया था जब मैं US का एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। कि बेसिकली तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा एज सच डीप नहीं पढ़ना, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी कंट्री की हैं उससे हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सचेंज रेट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और एक्सचेंज रेट में इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। बिकॉज वी आर फाइनेंशियल मैनेजर्स, हमें मतलब है अपने बिजनेस से कि हमारे बिजनेस की मनी को क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ मॉनिटरी पॉलिसी। सो गाइज, अब इसके बाद इन्होंने बताया मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द UK, एक काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी हो गई है, बहुत सारे बच्चे शायद बोर हो चुके हों, क्योंकि मैं खुद भी बोर हो चुका हूँ, क्यों, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना पढ़ाना दोनों चीज़ डिफिकल्ट होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो या थ्योरी ऐसी हो जो समझने वाली हो, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, बट लेना ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे बच्चे 90+ मार्क्स स्कोर करें। तो पॉइंट इज़ मैं अभी इस चैप्टर को और नहीं करा रहा हूँ, मॉनिटरी पॉलिसी इन द UK इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कॉन्सेप्चुअली, और ऊपर जितना भी हमने पढ़ा है जस्ट गिव इट
2-3 प्लेन रीड्स, नॉट वन, 2 or 3 प्लेन रीड्स, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी का समझ आ जाए. ठीक है, इसके बाद जो बाकी का चैप्टर देखें, चैप्टर कितना रह गया हमारा, इंटरेस्ट रेट स्मूदनिंग है, ओके, इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, ओके, फिस्कल पॉलिसी है, टैक्सेशन, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, बैलेंस बजट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फिस्कल पॉलिसी के बाद हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहाँ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज, ये भी आसान है, ये भी अच्छा है, गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉरपोरेट गवर्नेंस, की इशूज़ विद कॉरपोरेट गवर्नेंस, और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म. बस गाइस, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, तो आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द चैप्टर, और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार समझा दूँ सो दैट यू कैन रीड दिस सब्जेक्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड. अभी तक तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा था, नेक्स्ट वीडियो में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने ये देख लिया इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है. एंड चाहता तो मैं सीधा सीधा भी पढ़ा सकता था, लाइन बाय लाइन ना पढ़ा था, बट बहुत बच्चे फिर बोलते सर आप लाइन बाय लाइन हमें पढ़ाओ. मैंने तुम्हें भी लाइन बाय लाइन पढ़ाया है ये बताने के लिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ाना ज़रूरी नहीं होता, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो तुम पढ़ के भी उस चीज़ को समझ सकते हो. तुम्हें सिर्फ पढ़ना है एक बार एंड यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं वो पढ़ूंगा तो उससे क्या होगा, तुम्हें भी चीज़ें आधी समझ आएंगी, क्यों, कॉन्सेप्ट कहीं इधर उधर कन्फ्यूज मिक्स हो जाएगा. अगर मैं तुम्हें सीधा कॉन्सेप्ट बता दूंगा तुम्हें कॉन्सेप्ट याद है क्लास के बाद, इफ़ यू रीड यू विल अंडरस्टैंड. अगर मैं कॉन्सेप्ट बता के ये दोबारा पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तुम बोर हो जाओगे, और जब बोर हो जाओगे व्हाट यू विल थिंक कि यार कॉन्सेप्ट भी पता नहीं, कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा मिक्सअप कर जाओगे, भूल जाओगे. ठीक है, तो आगे से जो ये चैप्टर है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो मैं तुम्हें हर पार्ट को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी उसकी रीडिंग विल बी योर होमवर्क, और बाकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग तो है ही है. चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.